हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बैक टू बैक अपडेट्स लेके आती हूँ, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप भी 12th पास है और फ्रेशर है, जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो मेरे आज की इस जॉब अपडेट को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और जिस पर्टिकुलर पोजिशन को आज मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ, ये है आपकी नॉन सेल्स एसोसिएट की, जिसका मतलब ये है कि कोई भी सेल्स टारगेट ओरिएंटेड काम आपको नहीं मिलेगा। कोई भी सेल्स, फील्ड सेल्स या ऑफिस सेल्स से रिलेटेड काम आपको नहीं मिलने वाला है। कंप्लीट नॉन सेल्स एसोसिएट की प्रोफाइल रहेगी, ठीक है। सैलरी आपकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है 1.75 से लेकर 3.0 पर एनम, विच मीन्स एटलीस्ट 10 रुपीज 30,000 यू कैन अर्न, ठीक है। 15,000 एंड अबव से लेकर 30,000 रुपए तक महीना आप कमा सकते हो। जिस कंपनी को आज मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ, यह आपकी इंडिया मार्ट। आपको जरूर से पता होगा कि इस वक्त काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, और इंडिया मार्ट भी उनमें से एक है। अगर आप इनकी इस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करते हो, तो इसके कुछ हाइलाइट्स भी है जो आपको जरूर से पता होने चाहिए। सबसे पहले है कि आपको एज अ फ्रीलांसर काम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी ही लोकेशन से इस काम को कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप दिल्ली या फिर नोएडा या किसी भी अलग शहर में रहते हो, आप इस काम को कर सकते हो अपनी ही लोकेशन से, ठीक है। वर्क ऑन योर ओन शेड्यूल, काफी ऐसी जॉब्स में होता है कि आपको 9 to 5 आपकी ऑफिस टाइमिंग होती है, 9 to 5, 9 to 7 इस तरीके का शेड्यूल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर काम को आप अपने ही शेड्यूल में कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट ले लो, चाहे आप आफ्टरनून शिफ्ट ले लो, चाहे आप इवनिंग शिफ्ट ले लो, चाहे आप नाइट शिफ्ट ले लो, ठीक है। तो इस काम को आप किसी भी शेड्यूल में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। अगर आप इस पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम होम को करोगे, तो आपको वीकली पे आउट बेस्ड ऑन योर आउटपुट मिलेगा, विच मीन्स कि जैसा आप बिजनेस में परफॉर्म करोगे, अपने जॉब रोल में परफॉर्म करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वीकली पे आउट मिलेगा। साथ ही साथ आपको सैलरी के अलावा एडिशनल इंसेंटिव्स भी कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। एटलीस्ट आप यहाँ पे 8 आवर्स काम कर सकते हो, या फिर आप 10 आवर्स काम कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ओन शेड्यूल। आप यहाँ पे अपना शेड्यूल क्रिएट करो कि आपको मॉर्निंग में काम करना है, कितने घंटे काम करना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क। एंड दिस इज अ कंप्लीट वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस, ठीक है। कंप्लीटली कॉलिंग के थ्रू आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। आपको फील्ड में जाके कोई भी सेल्स नहीं करनी है, ये कंप्लीट नॉन सेल्स एसोसिएट की प्रोफाइल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी गुड कम्युनिकेशन हो इंग्लिश हिंदी में। अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तो ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कहीं से एडवांटेज रोल भी प्ले कर सकता है आपका इस पर्टिकुलर जॉब रोल के सिलेक्शन में, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर विद गुड इंटरनेट कनेक्शन है, आप इस काम को कर सकते हो। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास मोबाइल फोन्स के अलावा भी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर विद गुड इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं नॉन सेल्स एसोसिएट की जॉब रोल, मतलब क्या काम आपको करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर जॉब में यू विल बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बायर एंड अपडेट द सेम ऑन द पोर्टल ऑफ इंडिया मार्ट, एंड यू शुड बी पैशनेट इनफ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, विच मीन्स कि जितने भी बायर्स एंड सेलर्स इंडिया मार्ट के वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन को आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और यही पूरा कंप्लीट आपको काम रहेगा, इसीलिए इसको नॉन सेल्स एसोसिएट का नाम दिया है, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका सैलरी पेमेंट भी किया जाएगा। बैंक डिटेल्स में आप चाहे अपना कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक की ऑनलाइन स्कैन कॉपीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड
पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स आर ऑप्शनल, सो इफ यू आर वन ऑफ दिस देन आप जरूर से अपने सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, यह आपका है राउंड वन, एंड देन है आपका राउंड टू जो कि विद इन 2-3 डेज कंडक्ट करवा दिया जाता है, दैट इज योर ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट। ठीक है, ऑनलाइन इंडिया मार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग असेसमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और किस तरीके से आप इनके इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जरूर से उसे देखिए, बहुत आपकी हेल्प करेगा वो वीडियो ये समझने में कि हाउ यू हैव टू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू राउंड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिक्रूटमेंट लिंक मिलेगा, तुरंत आप इस रिक्रूटमेंट लिंक को ओपन करिए। ठीक है, और आप पूरा जेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पूरा आप पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद इफ यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल इनफ, यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस वर्क, देन आप जरूर से अप्लाई करो। अप्लाई करते वक्त अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो इस पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड, या फिर टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड, तो आप जरूर से मेरे वीडियो के नीचे लिखिए कॉमेंट्स में, और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ, और आने वाले टाइम में काफी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बैक टू बैक अपडेट्स भी लेके आती रहूंगी। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।